हाय स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विद अभिनव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग इवोल्यूशन के चैप्टर पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन में बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिया था। कल जहाँ पे हमारी क्लास छुट्टी थी वो थी एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। उसी एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे उसी पार्ट टू में कि क्या क्या एविडेंसेस थे जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी थे या जिससे एवोल्यूशन हो रहा था। उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं उसी में अगले पॉइंट को, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म को एक एग्जांपल है इसका। इंडस्ट्रियल मेलनिज्म ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया या तीन एरा में इसकी स्टडी की गई। तीन पार्ट्स में ये डिवाइड हुए। एक इंडस्ट्रियल एरा था और एक उसके पहले का जिसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल एरिया और एक था पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया। ये तीन एरा में स्टडी की गई। वही डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी उसी का ये एक एग्जांपल है। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन का ये एक एग्जांपल है। ये जिसको हम पढ़ते हैं जानते हैं। देखिए क्या होता है कि सपोज करिए कि ये हमारा प्लांट था और उस समय क्या थी इंडस्ट्रीज नहीं। जब इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, इस पौधे के ऊपर लाइकेन्स होंगे। लाइकेन्स क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। ग्रीन रंग के होते हैं, मुख्य रूप से एयर पोल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड का जो पोल्यूशन होता है उसको इंडिकेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर लाइकेन्स होंगे। ये लाइकेन ग्रीन कलर के होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो जो उस समय की मॉथ थे, मॉथ जो बटरफ्लाई की तरह कीड़े जो आते हैं जो पेड़ पौधों के छालों पे बैठते हैं, स्टेम्स पे बैठते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे इस डायग्राम में यहाँ दिखा रहा है, ये डार्क है और ये व्हाइट है। दो प्रकार के मॉथ्स होंगे, ठीक है। ये जो व्हाइट विंग्स वाले होंगे मॉथ और एक डार्क विंग्स वाले होंगे। तो जब क्या होगा कि यहाँ पे लाइकेन्स होगा, ठीक है। जब यहां पे लाइकेन्स होगा तो क्या होगा, ये लाइकेन व्हाइट कलर का है तो इसपे जो मॉथ होगा व्हाइट कलर का ये दिखाई नहीं देगा। व्हाइट मॉथ क्या होंगे यहां पे दिखाई नहीं देंगे इस बार पे अगर बैठे हैं, और जबकि डार्क वाला जो होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। जब ये क्लियरली विजिबल होगा तो क्या होता है कि जो भी प्रीडेटर्स आएंगे, जो भी प्रीडेटर्स आएंगे या इनमें आएंगे या पक्षियां आएंगी, तो वो क्या करेंगी, किसको खाएंगी, क्या डार्क वाले को, क्योंकि ये क्लियरली सीन हो रहा है तो डार्क वाले को खा जाएंगे। तो इस इरा में, प्री इंडस्ट्रियल इरा में क्या होगा, क्योंकि डार्क वाले मौत तो चले गए, अब बचा कौन सा, व्हाइट वाला मौत, तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो व्हाइट वाला एज ए नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे ज्यादा सेलेक्ट होगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं किसका, इंडस्ट्रियल इरा का, इंडस्ट्रियल एरा में क्या होगा, क्योंकि यहां पे कंटेमिनेशन आ गया और जब यहां पे कंटेमिनेशन आ गया तो अब जो लाइकेन्स था, जो लाइकेन था क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से यहां पोल्यूशन आ गया तो एयर पोल्यूशन होने की वजह से इस पे क्या होगा, लाइकेन्स नहीं आएंगे। और लाइकेन्स जब नहीं आएंगे तो क्योंकि ये जो बार्क का कलर था, इसके स्टेम का कलर था, वो हल्का ब्राउनिश होता है, तो यहाँ पे जो मोथ होता है कौन सा, डार्क कलर का, वो सीन नहीं होगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो व्हाइट वाला मोथ होगा वो क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा प्रीडेटर्स के लिए, क्योंकि ये व्हाइट मोथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट मोथ किल कर दिए जाएंगे प्रीडेटर्स के द्वारा, जबकि डार्क मोथ जो होंगे वो बच जाएंगे। तो यहाँ पे किसका सिलेक्शन होगा, डार्क मोथ का सिलेक्शन, ठीक है। अब जब तीसरा आता है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूशन भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों चांसेस बन सकते हैं कि डार्क वाले भी रह सकते हैं और व्हाइट वाले भी रह सकते हैं। तो यहां पे दोनों का सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे कंडीशन बन सकते हैं
कि व्हाइट वाले भी बच जाए और डार्क वाले भी बच जाए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो नेचुरल सिलेक्शन को ही प्रपोज करता है या उसी को रिजेंबल करता है, उसी फिलॉसफी को रिजेंबल करता है जो डार्विन ने दिया था। अब बात उठती है किसका, एडाप्टिव रेडिएशन की बात हम लोग करते हैं। इसी में हम लोग एक पिछली क्लास में देखे थे म्यूटेशन थियरी के बारे में, म्यूटेशन थियरी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में जिसको छोड़ दिए थे, ठीक, जो एविडेंसेस था म्यूटेशन थियरी की उसको छोड़ दिए थे। म्यूटेशन थियरी क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं आजकल हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे हमारे घर में क्या था, मच्छर बहुत थे, हम क्या किए उनके लिए मॉर्टिन ले आए, फिर वो धीरे धीरे मॉर्टिन के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंट को डेवलप किए और आज के डेट में मॉर्टिन जलाने से भी मच्छर हमको काटता है, मतलब उनमें म्यूटेशन हुआ। तो हम ऑल आउट ले आए तो भी मच्छर काटते थे हमको, तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन हुआ ऑल आउट में, सुपर पावर सुपर किलर इस टाइप के मॉर्टिन आए या ऑल आउट आए और धीरे धीरे उसमें म्यूटेशन बढ़ता गया। इसी तरीके से जो ट्यूबरकुलोसिस था उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स पहले दिए जाते थे, तो ट्यूबरकुलोसिस भी अपने अंदर क्या किया, रेजिस्टेंट डेवलप किया और नई वैरायटी के हमको एंटीबॉडीज देनी पड़ी। क्योंकि ये क्या होता है, धीरे धीरे जो चेंजेस आते रहते हैं इससे इवोल्यूशन बढ़ता जाता है और इससे म्यूटेशन डेवलप होता है और यही क्या करता है, रेजिस्टेंट को बढ़ाता है। जैसे अभी देख लीजिए आप जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो क्या हुआ कि अभी पिछले साल आप देखिए कोरोना का एक दूसरा वेरिएंट था, इस साल एक दूसरा वेरिएंट आ गया, तो मतलब एक साल के अंदर ही अपने आप में चेंज हो गया। तो ये क्या है, म्यूटेशन, एक म्यूटेशन है जो कि क्या करता है, एक एविडेंस प्रमाण दे रहा है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो पहली जो चेंजेस लगभग सेंचुरी शताब्दी वर्षों में होते थे, अब वो विद इन अ डे विद इन मंथ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन आने लगे हैं। तो जो गैलापागोस आइलैंड पे जहां पे कौन काम कर रहा था, आपके डार्विन काम कर रहे हैं ना। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन काम करने गए, तो गैलापागोस आइलैंड पे जहां डार्विन काम करते हैं, जहां से बहुत सारे टर्टॉइज पाए जाते हैं, टर्टॉइज आइलैंड भी यहां पे कहा जाता है, तो इस आइलैंड पे छोटे छोटे आइलैंड थे, 12-14 आइलैंड थे, वो सभी छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यहीं पे कल हम लोगों ने देखा था कि 14 फिंचेस पे स्टडी किया था डार्विन ने, 14 फिंचेस पे स्टडी किया था जिसको डार्विन फिंचेस कहते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जो एडॉप्टिव रेडिएशन होता है, एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, कल की क्लास अगर आपको याद हो लास्ट में जहां पे हमने छोड़ा था, एडाप्टिव रेडिएशन को हम दूसरी भाषा में क्या नाम दिए थे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का नाम दिए थे कल की अगर क्लास आपको याद हो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये देखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन में, ये देखते हैं डार्विन कि क्या होता है कि यहां पे जो वैरायटी ऑफ फिंचेज होते हैं उनकी जो चोंच होती है उस चोंच का स्ट्रक्चर बदलता जाता है, उसका स्ट्रक्चर बदलता है। जैसे आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर इस पीक की साइड देखिए, ठीक है, ये जो इसका बीक है इसकी साइड देखिए, इस बीक की साइड देखिए, इस बीक की साइड देखिए, इसकी साइड देखिए, ये क्या था कि डार्विन ये बताते हैं क्यों, क्योंकि उस आइलैंड पे इनके एडाप्टेशन के अनुसार, वहां के एटमॉस्फेयर के अनुसार इनमें क्या होता है, फूड की वैरायटी को बदला जाता है। जब फूड की उपलब्धता कम होने लगती है तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने चोंच के साइज को बदलते जाते हैं जिससे कि आसानी से क्या करें, फूड को ये प्राप्त कर सके, ठीक है। इसी चीज को कहा जाता है क्या, एडाप्टिव रेडिएशन, जो डिपेंड करता है किस पे, हैबिटेट के ऊपर, कि वहां का हैबिटेट कैसा है, जिस प्रकार का हैबिटेट होगा उस प्रकार का वहां पे एडाप्टिव रेडिएशन होगा, उस प्रकार से परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फिंचेस थे पहले क्या करते थे, ये शाकाहारी रहते थे, शाकाहारी थे तो इनके पीक की साइज थोड़ी मोटी बड़ी होती थी, फिर ये धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक, इंसेक्ट्स वगैरह इंसेक्टिवोर्स हो जाते हैं, हर्बीवोर्स हो जाते हैं, कार्निवोर्स हो जाते हैं, धीरे धीरे अपने मॉडिफिकेशन लाते हैं, किस लिए, अपनी नेचुरल सिलेक्शन के लिए, कि ये जीवित रहे ये बचे रहे, इसलिए ये क्या करते हैं अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस ले आते हैं।
और उस चेंजेस से क्या होता है, ये वहां पे जीवित रहते हैं, इनका नेचुरल सिलेक्शन होने लगता है, ठीक है। तो ये अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। इसी एडाप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्शुपियल्स है, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्शुपियल है, ये एग्जांपल पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है एडाप्टिव रेडिएशन का ये पार्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपका एग्जाम आता है जैसे पीएमटी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल्स थे उनमें कौन कौन सी चीजें हैं या कौन नहीं है। जैसे तीन चार नाम दे देंगे, पूछ देंगे कि ऑस्ट्रेलियन मार्शिपियल कौन है या कौन नहीं है, विच वन इज करेक्ट या राइट या रॉन्ग, ऐसे करके एग्जाम्पल आ जाएंगे। एडॉप्टिव रेडिएशन का ही एक एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम भी दिया है, आप इसको वहां से देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये मार्शुपियल रेडिएशन के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये मार्शुपियल रेडिएशन है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे ये क्या है, टस्मानियन वुल्फ है, ये टाइगर कैट है, ये आपका बैंडेड एंटीरियर है, ये मार्शुपियल रैट है, ये आपका कंगारू है, ये वॉम्बैट है, ये बैंडिकूट है, ये कोआला है, ये मार्शुपियल मोल है, ये शुगर ग्लाइंडर है। तो इसके नाम याद रखने आपको जरूरी है मार्शुपियल रेडिएशन के, क्योंकि इसमें कोई एक तीन नाम दे देगा, चौथा कोई दूसरा दे देगा और पूछ देगा कि कौन से मार्शुपियल रेडिएशन के हैं कौन से नहीं है। तो ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग देखते हैं, ये सेल्स में आपको याद रखना होगा, ये कन्वर्जेंट वेरिएशन है ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स के और प्लेसेंटेड मैमल्स के, ठीक है, कि मतलब कौन सा मैमल था और किस मार्शुपियल ऑस्ट्रेलियन पूल से ये सेट में अटैच होता। तो ये सेट आपको याद रखना है, ठीक है, इसके पूरे नाम नहीं याद करने हैं आपको, ये सेट याद करना है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएमटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पीएमटी के एग्जाम में ये पूछ सकता है, पीएमटी के एग्जाम में ये पूछ सकता है। जैसे ये मोल है तो ये मार्शुपियल मोल, इसका ये सेट है, ठीक है, ये एंटीरियर है तो इसका नंबैक एंटीरियर है, ठीक, ये इस रूप में सेट्स के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक। ये माउस है, मार्शुपियल माउस है, लेमर है, स्पॉटेड कर्सस है, फ्लाइंग स्पैरल है, फ्लाइंग फैलेंजर्स है, बोकॉट है, टस्मानियन टाइगर कैट है, वुल्फ है, टस्मानियन वुल्फ है। तो ये सेट्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे इसकी अगर सेट्स की बात की जाए तो ये आपका पहला सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, चौथा सेट हो गया, पांचवा सेट हो गया, छठवां, सातवां, ये सातों सेट्स को आपको याद रखना जरूरी है। दो तीन बार चार बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, तो इस सेट्स को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी सेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, इन सेट्स पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसी तरीके को कुछ एग्जाम्पल दिया गया था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो वहां पे दिया गया था जिसमें ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ये डार्विन की दो थियरी थी, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन की, डार्विन की थियरी की, ठीक है। तो ये डार्विनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो डार्विनिज्म की थियरी जो थी या डार्विन की जो थियरी थी ये दो रूपों में डिवाइड की गई, ठीक, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ये दो थियरी दिया गया किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। तो इसी पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये दोनों थियरी उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसके पहले किसकी थियरी आई थी, लैमार्क की थियरी आई थी, ठीक है। लैमार्क की थियरी में भी हम लोगों ने बात किया था, लैमार्क की थियरी में क्या था, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक। उसका एक एग्जांपल है, जैसे आपको याद होगा पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा, जिराफ की थियरी, जो जिराफ था वो यूज ऑफ ऑर्गन का ही एक एग्जांपल है। क्या हुआ कि जिराफ पहले क्या करता था, हर्बीवोर्स था, ठीक है, जिराफ हर्बीवोर्स था, और वो क्या करता था कि जो प्लांट्स होते थे इन प्लांट्स की पत्तियों को खाता था ना,
ये अपने नेक से क्या करता था, प्लांट्स की पत्तियों को खाता था, तो धीरे धीरे ये नीचे की पत्तियां जब खत्म हो गई तो ये अपने नेक को और ऊपर बढ़ाया, तो इसके नेक की साइज ऐसे बार बार करते करते बढ़ती चली गई। तो यूज ऑफ ऑर्गन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिससे कि अगली पीढ़ी जो जिराफ की आई तो उनके जो नेक है वो लंबे लंबे आने लगे। ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहीं पे कि एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, ये पाथवे है या एक प्रक्रिया है अथवा एक प्रोसेस, ये पाथवे। तो एवोल्यूशन पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इफ एवोल्यूशन ए प्रोसेस आर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक, इज एवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये न तो प्रोसेस है और न तो रिजल्ट है प्रोसेस का, ये एक्चुअली दोनों है। क्यों? क्योंकि जो भी परिवर्तन एंसेस्टर से हमारे आते चले आए हैं, जो भी प्रोसेस उनके अंदर था, उसी प्रोसेस को हम लोग आगे फॉलो करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो एंसेस्टर में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन हमें भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ये जो प्रोसेस है या एवोल्यूशन है या जो चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये मेरे लिए यूजफुल होंगे या तो अनयूजफुल होंगे। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, एवोल्यूशन इन मैन में पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि एवोल्यूशन इन मैन में क्या होता है कि हमारे पहले का जो एंसेस्टर था वो हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, हम लोगों से पहले जो क्रोमैग्नन था, हम लोग होमो सैपियंस हैं, तो जो क्रोमैग्नन था वो हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान था, मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन कह सकते हैं हम लोग। मॉडर्न मैन से पहले का जो एंसेस्टर था, मतलब हम लोग के करेंट जो एंसेस्टर था क्रोमैग्नन, वो हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी इवोल्यूशन हुआ, हम लोग आए। ठीक, हमारे आगे हो सकता है कि हमसे कम बुद्धिमान हो या हमसे और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इवोल्यूशन जो है वो हमेशा चलती रहती है, परिवर्तन जो है वो हमेशा होता रहता है, ये कंटिन्यूअस ग्रोइंग प्रोसेस है। इसी के बीच में मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन आया। ठीक है, यहीं पे हम कल जो पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था वहीं पे थॉमस माल्थन के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। थॉमस माल्थस, अगर आपको कल की क्लास याद हो तो थॉमस माल्थस की इकोनॉमिक्स की किताब थी जिसमें वो ये बताते हैं कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है बेटा वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक, लेकिन जो उसके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक, जैसे पॉपुलेशन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ ऐसी होती है, लेकिन जो इसके रिसोर्सेज होते हैं वो अर्थमेटिकल ग्रोथ में होते हैं। ठीक, वो किस प्रकार से होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरीके से उनका ग्रोथ होता है। ठीक, तो ये थॉमस माल्थस थे और यही डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहीं से डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन आता है कि नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वो जीवित होते हैं या वो आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाते हैं, और नेचर जिसको डिसलाइक कर देता है वो डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं, उनकी प्रोजनी वहीं पे खत्म हो जाती है। यह नेचुरल सिलेक्शन का फेनोमेना इसी माल्थस की बुक पर या माल्थस की थियोरी पे डिपेंड करती है। ठीक, यही आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जो किस पे डिपेंड करता है, म्यूटेशन थियोरी पे डिपेंड करता है। ठीक, और म्यूटेशन थियोरी किसके द्वारा दिया गया था, ह्यूगो डेब्रिस के द्वारा। ह्यूगो डेब्रिस जिस पे काम करते हैं वो कहलाता है इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज पे ये काम करते हैं, म्यूटेशन थियरी आती है यहीं पे ह्यूगो डेब्रिस की, उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो जो म्यूटेशन थियरी थी ह्यूगो डेब्रिस की, वो डार्विन की थियरी से टोटली डिफरेंट था, डार्विन की थियरी से वो टोटली डिफरेंट था।
मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन ये वही म्यूटेशन थियरी का एक रिजल्ट है। अगर आपको पिछला क्लास याद हो जहां पे हम लोग थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि तीन प्रकार की एवोल्यूशन की थियरी होती है। ठीक है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो हम कल की क्लास में बताए थे, क्या बताए थे, लैमार्कीज डार्विनीज और म्यूटेशन। तो यही म्यूटेशन थियरी ही किसकी है, ह्यूगो डीब्रीज की म्यूटेशन थियरी है। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये म्यूटेशन थियरी इन्होंने कैसे दिया। ह्यूगो डीब्रीज की जो म्यूटेशन थियरी है वो बेटा डार्विन की थियरी से एकदम अपोजिट है। ठीक, इनके अनुसार क्या होता है, डार्विन कहते हैं कि जो इवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक, इनके अनुसार जो इवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, कंटीन्यूअस होता है। और इसी के ठीक अपोजिट जो थियरी है ह्यूगो डीब्रीज की है, ये कहते हैं क्या कि जो एवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनलेस होता है, फास्ट होता है, या सडन जिसको बोल सकते हैं, सडन होता है, रैपिड होता है। और ये जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यूअस ही हो या डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब आकस्मिक जो चेंजेस आते हैं, सडन चेंजेस जो आ जाते हैं जीन में, वो भी म्यूटेशन को क्रिएट करते हैं या वो भी म्यूटेशन को दे सकते हैं, ऐसा ह्यूगो डीब्रीज का कहना है। ठीक है, ये काम करते हैं किस पे बेटा, एवनिंग प्रिमरोज पे काम करते हैं। इवनिंग प्रिमरोज एक्चुअली है क्या बेटा, ये ओइनोथेरा लैमार्कियाना का एक एग्जांपल है। ठीक, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ओइनोथेरा लैमार्कियाना का एक एग्जांपल है। ह्यूगो डीब्रीज क्या करते हैं, इवनिंग प्रिमरोज पे काम करते हैं, और यहीं पे काम करते समय ये देखते हैं कि F1 जनरेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से टोटली चेंज रहते हैं। तो अचानक से ये परिवर्तन देखते हैं, जबकि F2 जनरेशन में देखते हैं कि जितने भी प्रिमरोज आते हैं वो टोटली चेंज होते हैं और बल्क में होते हैं। तो इसको इवनिंग मेगा का नाम वो दे देते हैं। ठीक है, मतलब मेगा चेंजेज आ जाता है, सडन इतना ज्यादा चेंजेज आ जाता है कि उसको इवनिंग मेगा का नाम दे देते हैं थर्ड जनरेशन में। और उसके बाद देखते हैं कि फिर से वही जो थर्ड जनरेशन वाला रहता है वही कंटिन्यू कई सारे कई जनरेशन में चलता रहता है। तो ऐसा ह्यूगो डीब्रीज का कहना रहता है कि ये जो चेंजेस होते हैं ये जरूरी नहीं कि ये स्लो हो, एक ही बार में हो, या अचानक से हो लगते हैं। ठीक, तो लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली, इनका कहना रहता है कि जो डिफरेंसेस होता है ये अचानक से सडनली आ जाते हैं। ठीक, रैंडम होते हैं, कभी भी हो सकते हैं। ठीक, ये कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं है, रैंडम हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक, इसी को इन्होंने नाम दिया था क्या, साल्टेशन का, साल्टेशन का नाम दिया था। साल्टेशन का मतलब कि एक सिंगल चेंज जो क्या करे, बहुत बड़े परिवर्तन को उत्पन्न कर दे, उसको क्या कहते हैं, साल्टेशन। साल्टेशन इसका नाम दिया इन्होंने। साल्टेशन का मतलब कि एक सिंगल स्टेप जो लार्ज म्यूटेशन को रिजल्ट दे या लार्ज म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सिंगल स्टेप टू लार्ज म्यूटेशन। तो
ये ह्यूगो डिब्रिस के द्वारा बताया गया कि एक ऐसा परिवर्तन जो क्या करता है, बहुत बड़े म्यूटेशन को कास्ट करता है, वो साल्टेशन कहलाता है, ऐसा ह्यूगो डिब्रिस का मानना था। फिर आता है आपका एक मेन एग्जांपल जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग, हार्डी और वेनबर्ग दो साइंटिस्ट रहते हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, दो अलग अलग जगहों पे जन्म लिए हैं, दो अलग अलग जगह पे ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका और इनके प्रिंसिपल एक जैसे थे, इसलिए इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली यहाँ पे स्टडी करते हैं, हार्डी और वेनबर्ग के प्रिंसिपल को। हार्डी और वेनबर्ग ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा था, एक ही प्रिंसिपल भी ये काम करते थे, इसलिए इनको हम एक साथ स्टडी करते हैं। इनके अनुसार ये कहते हैं कि तीन कंडीशन होना चाहिए, उस तीन कंडीशन पे क्या होगा, जीन पूल एक जैसा होगा, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसका ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, एवोल्यूशन नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होना मुश्किल था। वो तीनों कंडीशन कौन कौन से थे आप उसको देखिए, इनके अनुसार तीन कंडीशन होना चाहिए जो क्या करता है, जीन पूल को कॉन्स्टेंट करने का काम करता है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन लार्ज हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, ठीक। दूसरा रैंडम मैचिंग हो, रैंडम मैचिंग हो। तीसरा नो माइग्रेशन, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये कहीं माइग्रेट ना करते हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जो जीन पूल होगा वो ऑलवेज इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जीन पूल हमेशा एक होगा, ऐसा इनका कहना था कि एक बहुत बड़े पॉपुलेशन पे अगर हम ये लोग स्टडी करते हो, काम कर रहे हो, बहुत बड़ा रेंज हो उसका पॉपुलेशन का, और लाखों करोड़ों की संख्या में वो पॉपुलेशन हो, और वहां पे सभी को रैंडमली मैटिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको मौका दिया जाए, सभी अपने अपने समय पे रैंडमली मैटिंग करते हो और वो कहीं माइग्रेट ना करते हो, तो वहां का जीन पूल क्या होगा, हमेशा एक के बराबर होगा या इक्वल होगा, ऐसा हार्डी और वेनबर्ग का मानना था। लेकिन ऐसा कभी संभव है, हो ही नहीं सकता। क्यों कि मान लो हम एक बार मान लेते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन तो है, ठीक, लेकिन रैंडम मैटिंग होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं हूं, मान लो मेरी शादी होनी है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, पैसा भी हमको मिलना चाहिए, ठीक, हम सेलेक्ट करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, या लड़कियां हैं तो वो क्या करती हैं, पति को अगर उनको चूज करना है हमको किससे शादी करना है, तो उनके घर वाले हम वो खुद क्या करती हैं, ये सेलेक्ट करती हैं कि लड़का पढ़ा हुआ लिखा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, कितना अर्निंग है उसकी, कौन सी नौकरी करता है, देखने में कैसा है, कैसा घर बार है, सारी चीजों को देख के हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हमारी मैटिंग होती है, तब उसके बाद प्रोजनी जन्म लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएशन आ गया, और माइग्रेशन, माइग्रेशन की बात ही ना करो, इसलिए कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, जौनपुर का रहने वाले हो, मेरी शादी हो गई दिल्ली मुंबई कलकत्ता, तो हम यहाँ से वहाँ माइग्रेट करेंगे, या आप यहाँ के हो, लड़कियाँ हैं यहाँ की हैं, उनकी शादी कहीं और हो गई, तो ऑफकोर्स वो माइग्रेट करेंगी। आजकल तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं लोग शादी के लिए, तो ऐसा संभव है क्या, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये जो हार्डी और वेनबर्ग ने बताया था इनके प्रिंसिपल के अनुसार, ये कतई संभव नहीं है और ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो जैसे हम लोग देखते थे मेंडेलियन जेनेटिक्स में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में जैसे वो दो कैरेक्टर्स को लेके आते हैं,
वो दोनों कैरेक्टर के अगर हम लोग क्रैश कराते हैं तो क्या मिलता है? जैसे कैरेक्टर की कार लिए और एक स्मॉल टी का ले लिए, इनके बीच में जब क्रैश कराया जाता था तो F1 जनरेशन में जो क्रैश का रिजल्ट आता था वो क्या आता था? कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा आता था, ठीक। तो ये कैपिटल टी को मतलब या डोमिनेंट कैरेक्टर को क्या करते हैं, हार्डी और वेनबर्ग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? क्यू। तो जो ये हाइब्रिड हुआ ये क्या होगा? पी क्यू। और ये भी क्या होगा? पी क्यू, ठीक। तो अगर इसको देखा जाए, इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया और उसके अनुसार इस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो ये हो गया कैपिटल पी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। कैपिटल पी स्मॉल क्यू ये हाइब्रिड है, ये F1 जनरेशन की बात हो रही है, स्मॉल क्यू ये रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम हार्डी वेनबर्ग का कहना ये था कि ये पी और पी, इसको क्या कह देंगे? पी स्क्वायर। पी क्यू और पी क्यू को क्या कह देंगे? 2PQ। क्यू और क्यू को क्या कह देंगे? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनका कहना यह था कि अगर हम एक लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मैटर की बात करते हैं, इनमें कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 के बराबर होगी, इक्वल होगी, ऐसा इनका मानना था। लेकिन ऐसा कभी होना संभव है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इसी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक, कि अगर सपोज करिए कि कैपिटल ए और स्मॉल ए है और इसमें वेरिएशंस की अगर बात की जाए तो इसमें वेरिएशंस क्या है? मान लो एक क्वेश्चन है कि कैपिटल ए में 0.6 का वेरिएशन है परसेंटेज का और स्मॉल ए में 0.4 का वेरिएशन है, ठीक है। तो इनके हाइब्रिड जो जनरेशन आएंगे उनके हाइब्रिड्स का रिजल्ट क्या होगा या हाइब्रिडाइजेशन का रेशियो क्या होगा? इनके हाइब्रिडाइजेशन का रेशियो क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपिटल ए में 0.6 और कैपिटल स्मॉल ए में, या इसको हम कह सकते हैं डोमिनेंट में इतने का वेरिएशन आता हो और रेसेसिव में इतने का वेरिएशन आता हो, तो इनके हाइब्रिड वेराइटी में क्या परिवर्तन होगा? कौन सा? 2A कैपिटल ए और स्मॉल ए, इस वेरिएशन की बात की जा रही है, तो कितना वेरिएशन आएगा? आप देखिए क्या हुआ, 2 × 0.6 एंड 0.4 कितना हो गया? 0.48। मान लो यहीं पे पॉपुलेशन नंबर दे दिया जाता कि 1000 पॉपुलेशन में कितना वेरिएशन होगा, तो 0.48% होगा, 48% का वेरिएशन होगा। या इसी में डोमिनेंट कैरेक्टर को पूछा जा सकता था, इसी में रिसेसिव कैरेक्टर को पूछा जा सकता था, ठीक है, ऐसा हार्डी वेनबर्ग ने बताया था। तो हार्डी वेनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल था बेटा, उसके 5 फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया था कि वो 5 फैक्टर ऐसे होते हैं जो इस इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल में इन्होंने 5 फैक्टर के बारे में बताया था और उन्होंने ये बताया था कि वो 5 फैक्टर ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, पहला है जीन माइग्रेशन अथवा जीन फ्लो, ठीक, पहला जीन माइग्रेशन अथवा जीन फ्लो। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन,
और पांचवा है नेचुरल सेलेक्शन। आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइएगा, सब कुछ उसमें दिया है, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो शायद समझ में आ गए। एक बार बुक की रीडिंग करके इसको देखिएगा। 35 फैक्टर्स के बारे में ये बताते हैं। जीन माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे या जीन का फ्लो जहां हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि एलील में जो परिवर्तन हो गया है, ठीक, जैसे एक जनरेशन है हमारे, एक जो जनरेशन हमारे जीन में जो परिवर्तन आएगा वो अगले जनरेशन में क्या करेगा, नया पॉपुलेशन को बनाएगा, एक नई प्रोजनी को जन्म देगा, तो उसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसा चेंजेस जो जीन में या एलील लेवल में हो वो कहलाता है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, हम लिख सकते हैं क्या, एनी चेंजेस इन एलील वो रिजल्ट देता है किसका, जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन आप जानते हो, सडन चेंजेस जो हो जाते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन मतलब एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन से जो रिकम्बिनेशन हो जाए, या जो दो जेनेटिक मटेरियल वो आपस में मिलके एक नया मटेरियल को बनाते हैं, वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन वही डार्विन का है कि जो फिटेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियोरी किसने दिया था, ये आपका क्वेश्चन, आप इसको देखिएगा। कल की क्लास में मैंने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन, ये पांच प्रिंसिपल थे, ये बताते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम नहीं चूज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, परिवर्तन आते हैं, इवोल्यूशन आते हैं। ठीक है, इसी के लिए फाउंडर्स इफेक्ट, बाद में इन्होंने एक फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में बताया था। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी हुई है, उसको आप लोग रीड करिएगा। फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में फाउंडर इफेक्ट, ठीक, सपोज करिए कि कोई एक पॉपुलेशन ए है और इस पॉपुलेशन में क्या है, टोटल 2000 एनिमल्स है, या 2000 का पॉपुलेशन है या ऑर्गेनिज्म है, 2000 का ये पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में कोई परिवर्तन आया। सपोज करिए ये 2000 का पॉपुलेशन था, इसमें किसी वजह से परिवर्तन आ गया, कोई परिवर्तन आया, इधर 500 अलग हो गए और इधर 1500 अलग हो गए, ठीक, किसी वजह से, मान लो इनके भोजन में डिफरेंसेस हो गया, इनके खाने रहने में डिफरेंस हो गया, या इनमें कोई परिवर्तन आ गया, ये शहर में रहने वाले हो गए, ये गांव में रहने वाले हो गए, इनको इनका रहन सहन अच्छा नहीं लगा, किसी भी तरीके से ये 500 अलग हो गए इस 2000 के पॉपुलेशन से। तो ये क्या होगा कि 3-4 जनरेशन में ये मैटिंग करके 2000 की संख्या में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या इनमें ये कैरेक्टर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 500 तो पहले से अलग थे, तो इनमें इसके कैरेक्टर होंगे, तो इस पॉपुलेशन के लिए ये क्या कहलाएगा, फाउंडर। और इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। इसी तरीके से ये जो 1500 है ये भी आपस में मैटिंग करेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो अपने इस पॉपुलेशन के लिए ये क्या कहलाएगा, फाउंडर। और इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, यहीं पे कभी कभी आपको एक और इफेक्ट पूछा जाता है, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में देखिए अंतर कुछ नहीं है, सेम इसी प्रकार से जैसा फाउंडर्स इफेक्ट है, बस इसमें अंतर क्या है कि ये एक बॉटल है जैसा, इस बॉटल के अंदर क्या हुआ कि लगभग 2000 का पॉपुलेशन रखा गया है और इनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन के बाद क्या हुआ कि केवल 500 ही बाहर आए और ये 500 क्या हुआ आपस में मैटिंग करके नया पॉपुलेशन को बना दिए, लगभग 2000 मान लीजिए फिर से बना दिए, तो क्योंकि ये बॉटल से बाहर आके अपने नए पॉपुलेशन को जन्म देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहेंगे, बॉटल नेक इफेक्ट। तो फाउंडर्स इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब यहीं पे एक लास्ट पॉइंट है जिसको कि हम लोग जान लेते हैं, वो है क्या, जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन था उसके अनुसार ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन था उसके अनुसार ट्रेंड्स कैसे बनते हैं,
उसको थोड़ा सा जान लेते हैं और आज की क्लास यही खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो हम लोग जान लेते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन का ट्रेंड होता है वो कैसा होता है, उसको जानने के लिए हम किताब में आपके दिया है ये वाला ग्राफ, इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है कि नेचुरल सिलेक्शन में किस तरीके से तीन हेड्स है, ये वाला जो डायग्राम दिया गया है इसी को हम लोग समझेंगे कि ये नेचुरल सिलेक्शन है। इसी नेचुरल सिलेक्शन में तीन ट्रेंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, शाल्टिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रक्टिव। तो स्टेबलिंग कब होगा, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कब होगा, या डायरेक्शनल इफेक्ट कब होगा, या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कब होगा, इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है इसी को ग्राफ से हम लोग समझेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। ठीक है देखिए सपोज करिए कि हमारे पास तीन तरीके के पॉपुलेशन थे, ठीक, इन तीन पॉपुलेशन की स्टडी हमको करनी है। इधर थे शॉर्ट, इधर थे इंटरमीडिएट या मीडियन, इधर थे लॉन्ग। ठीक इसी तरीके से इसमें भी इधर थे शॉर्ट, इधर थे इंटरमीडिएट, इधर थे लॉन्ग। इसी तरीके से इसमें भी था, इधर था शॉर्ट, इधर था इंटरमीडिएट, इधर था लॉन्ग। ठीक है अब सपोज करिए कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ, परिवर्तन आया, तो ये जो मिडिल वाले थे, इंटरमीडिएट वाले थे, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ की, इनकी पॉपुलेशन अगर ज्यादा ग्रोथ करेगी तो ये मिडिल में है, इस पॉपुलेशन को ज्यादा ग्रोथ करने से क्या होगा कि यहां पे नेचुरल सिलेक्शन क्या से क्या होगा कि इंटरमीडिएट का ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ। ठीक तो ये कहलाते हैं क्या, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ये स्टेबल हुआ ना, बीच में है एकदम स्टेबल हुआ, तो इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट या स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। ठीक अब देखो सपोज करो कि इस वाले डायरेक्शन का यहां पे ज्यादा ग्रोथ हो जाए, इस वाले में किसी एक डायरेक्शन में, चाहे शॉर्ट वाले में हो जाए और चाहे लॉन्ग वाले में हो जाए, किसी में भी हो सकता है, चाहे इधर हो सकता है चाहे इधर हो सकता है, तो ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना, चाहे इस साइड शॉर्टर वाले में, चाहे इस साइड लॉन्गर वाले में, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शनल इफेक्ट कहेंगे या डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक तीसरा है आपका क्या, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या है कि इधर वाले में भी हुआ पॉपुलेशन का ग्रोथ, ठीक, इधर इंटरमीडिएट में कुछ नहीं हुआ फिर इधर भी हो गया ग्रोथ, तो इस प्रकार के ग्रोथ को क्या कहते हैं, डिसरप्टिव इफेक्ट। ठीक है ग्रोथ किधर से हुआ, शॉर्ट की तरफ और लॉन्ग की तरफ, तो इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहते हैं, डिसरप्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहते हैं, डिसरप्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जो दो पीक को बनाता है, यहां पे आपका सिंगल पीक बनेगा, यहां पे भी आपका सिंगल पीक बनेगा, चाहे साठ में बने चाहे लांग में, यहां दो पीक बनेंगे, एक यहां बनेगा एक यहां बनेगा, दोनों जगह बनेगा। ठीक है ये कहलाता है डिसरप्टिव इफेक्ट। ठीक यहां पे केवल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे केवल एक बनेगा या साठ या लांग बनेगा, दो में से कोई एक बनेगा, यहां पे दोनों बनते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनते हैं। ठीक तो यहां पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनते हैं। ठीक तो हम इसको कह सकते हैं कि ओनली एम, इसको कह सकते हैं यस आर एल कोई एक, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, एस एंड यस, इसको एल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जैसे सपोज करो कि हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी पे कि एक कोई पॉपुलेशन था जिसमें बेबीज का फॉर्मेशन हुआ और बेबीज तीन प्रकार के बने, एक कोई एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करो कि एक पॉपुलेशन था जिसमें बेबीज का फॉर्मेशन हुआ, ये पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि तीन प्रकार की यहाँ पे बेबीज का फॉर्मेशन हुआ, एक वो जो 2 से 2.5 kg के थे, ठीक, एक वो जो 3 से 3.5 kg के थे, ठीक है, और एक वो जो 4 से 4.5 kg। सपोज करो कि 90% पॉपुलेशन कैसा हुआ, बीच वाला हुआ,
तो इस प्रकार के जनरेशन को क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रकार के जनरेशन को क्या कहेंगे? याद करिए जो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है तीन ग्राफ, तो जो बीच वाला होता है इंटरमीडिएट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग। तो ये क्या कहलाएगा? स्टेबलाइजिंग जनरेशन कहलाएगा या स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, मान लो कि 90% ये वाले होंगे या 90% ये वाले होंगे, ठीक, या ये या ये, इन दोनों में से कोई एक हो गया 90%। तो अब हम लोग क्या कहेंगे इसको? जब दो में से कोई एक होगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे? डायरेक्शनल ना, याद करिए एक तरफ शिफ्ट हो गया, एक डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा? डायरेक्शनल या डायरेक्शनल शिफ्ट कहलाएगा। ठीक, सपोज करिए कि 90% ये भी बचा और 90% ये भी बचा, दोनों बचे, तो क्या होगा? अगर ये और ये दोनों हुआ तो क्या होगा? ये कहलाएगा क्या? डिसरप्टिव। ये डिसरप्टिव शिफ्ट कहलाएगा जब दोनों होंगे, मतलब कि 2 से 2.5 केजी वाले भी होंगे, 4 से 4.5 केजी वाले होंगे, दोनों अगर बराबर होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव, दो में से कोई एक होता है तो डायरेक्शनल, बीच वाला होता है तो स्टेबलाइजिंग। ठीक है, इस इफेक्ट के बारे में हम लोग यहां पे जाने। अब इसी इवोल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक, जिसको कहते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, और इसके बाद हम लोग जानेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है जिसको कि हम लोग कल पढ़ के खत्म कर देंगे, थोड़ी सी क्लास में बची है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बच्चों के साथ इसको शेयर करिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। आप क्लास के लिए ये सफिशिएंट है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप एनसीईआरटी को रीड करिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद इसको एक बार फिर से समझिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आप मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।